नाइस तो बहुत है। कैनिबल किधर है? ऐसे ही शायद से तुम भी सोच रहे हो कि वेर आर वी मिसिंग इतने टाइम से, है ना? से हाय टू द होम बॉय। वही ये बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। पहले हम लोग को निकलने का IKF के वेन्यू के लिए, क्योंकि जो IKF का वीडियोग्राफर है वो अभी एट द मोमेंट दिल्ली में ही है, तो उसने बोला मेरे को एक बार देखने के, अगर इन केस एक्सटर्नल लाइट्स चाहिए रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी पहले वहाँ पर जाएंगे हम लोग, गुड़गांव में हॉट स्टेप डांस स्टूडियो। वहाँ पर जाने से पहले ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मेरा आवाज चेंज हो गया थोड़ा सा? हो गया क्या? इट्स नाइस ना? नहीं, मुझे लगता है ये भी फेज है, जैसे वो पीकी ब्लाइंडर वाला फेज था। नहीं यार, ऐसे तो ऐसे कैसे फेज होगा? तुम गाबी मारू वाला फेज आता है, उसका फेज है गाइस। ये वापस से अभी बाय द एंड ऑफ द व्लॉग ये वाले वापस आ जाएगा। पानी पानी पानी। नहीं, मैं अपना मतलब जो मैं नॉर्मल आवाज में बात करता ना, वैसे मैं बात ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा है। तुम पानी नहीं पियो, तुम्हारे मुंह में पूरा पानी 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 हो रहा है अभी। नहीं हो रहा वैसे बात करने को, बट एनीवेज मैं और कैनिबल गए थे ब्रिंग द बक इवेंट में दिल्ली में, जो हुआ था, है ना, अमेजिंग था। अभी फिलहाल मेरा है ना गर्दन और मेरा बॉडी और शायद से कैनिबल का भी गर्दन और बॉडी इतना पेन कर रहा है, हम लोग इतने पेन में पूरा बॉडी हमारा सो रहा है। मतलब आज ही सुबह सुबह हम लोग ऐसे फ्री होके उठे, कल हम लोग ने मस्त चाइनीज खाया दोनों भाई लोग ने मिलके, है ना, अच्छा खासा रिप्रेजेंट किया अपने आप को और बहुत मज़ा आया, है ना, एकदम नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, कैनिबल के लिए भी। कैनिबल भी पिछले 2-2.5 साल से ब्रेक पे था, ऑफिस पे जॉब कर रहा था, तो वो कम्प्लीटली आउट ऑफ टच था क्रम से। मैं भी मतलब अपने बहुत, मतलब मैं प्लान करके गया था 1-on-1 में उतरने का, बट जाके मैं 8 bucks में उतरा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी विनिंग जो है, जो मोमेंटोस हो गए, प्राइजेस जो होते हैं, वो अभी मेरे को उतने अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे विन्स मेरे ऐसे हैं लाइफ में जो मैं जीत के भी ऐसा हैप्पी नहीं था, समझ में आ रहा है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता। मतलब क्रम्प जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ अपने आर्ट फॉर्म को लेके, वैसे वैसे मेरे को ऐसा मन करता है कि यार मैं उसमें जेन्युइनली मास्टरी करूँ, क्योंकि अभी भी लोग मतलब वही सेम चीज़ घिसा पिटा, वही पहले का चीज़ कर रहे, कुछ फ्रेश नहीं है ऐसा, कुछ नाइस मोटिवेशन नहीं मिल रहा मेरे को, है ना, इसलिए मैं 8 bucks उतरा, क्योंकि 8 bucks मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी 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 फकिंग डिफ़िकल्ट और एकदम अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी है। उसमें तुम मतलब यूजुअली चीट करके नहीं जीत सकते, है ना, तुमको रेस्ट नहीं मिलता, तुमको सोचने का टाइम नहीं मिलता, तुमको क्विक डिसीजन लेने का रहता है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट ईयर का विनर भी नहीं जीत पाया इस बार, और बहुत सारा अलग अलग चीज़ होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारा डिटेल्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि 8 bucks इतना क्विक हो जाता है, 8 bucks और आई गेस 10 pounds ऑफ रॉ या 7 to smoke, ये सारे कैटेगरी मतलब वन ऑफ द बैड एस कैटेगरीज होते हैं और मतलब एकदम हाई लेवल कैटेगरी होते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कल के अपने राउंड से, कल के अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस से, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारा फ्रेश चीज़ें, फ्रेश मूवमेंट मैं लेके आता। सेम विद कैनिबल, कैनिबल का भी थोड़ा सा पर नीचे हो गया, बट ठीक है, चलेगा, हर जज का अपना ओपिनियन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। मतलब वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे लिए वैसे ही लगता है कि वी जस्ट टेस्ट आवरसेल्फ्स एंड देन नहीं वर्कआउट किया तो इट्स ओके, कूल, करें और मतलब और चीज़ें अपने को पता है कि ये डाल के फिर वो चीज़, वो फ्लॉज भी हम लोग हटा सकते हैं, सो दैट्स हाउ वी विल। बट मतलब एकदम शॉकिंग और हमारे लिए MVP, हम दोनों भी वही बात कर रहे थे ओवरऑल इवेंट में, वाज माजिन बू। भाई माजिन बू को मानना पड़ेगा, उसने, वो बंदा, पहले मेरे को और कैनिबल का हमेशा वही डिस्कशन होता था कि ये हर बैटल में आके सेम चीज करता है, एक ही ट्रिक करता है, एक ही मूवमेंट करता है, मतलब कब तक खींचेगा। बट कल उसने, मैंने उसको देखा ही नहीं कहीं पर भी, वो सारे मटेरियल्स अपने यूज करते हुए वो प्योर बेसिक्स के दम पे पूरा बैटल लड़ रहा था, और मतलब ये सारी चीजें मेरे को मतलब ये हुई ना बात, माजिन बू दिल लेके गया मेरा कल, तो वही है,
फकअप्स भी थोड़े बहुत थे, वो फकअप से मैंने सीखे इवेंट में, है ना, लर्निंग एक्सपीरियंस. ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. नो स्क्रिप्ट नहीं आ पाया जो एक फैकल्टी था, बहुत सारा और चीज़ हुआ बट नहीं होना चाहिए था. मैंने तुमको बताया नहीं, पता था ऑफ द कैमरा, बट वही है कि उसने लाइक जैसे बोलते हैं ना कि उसका जो टीजी पर्सपेक्टिव बहुत क्रेजी लगा मेरे को, मतलब बहुत हेल्पफुल फॉर द इंडियन कम्युनिटी. मतलब ऐसा क्रम्पर्स को जो अभी जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो सब चीज़ें, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हाइप वाला एक चीज़ हो गया, सेशंस के जो वगैरह वो सब, और फिर क्या कैसे तुम लोग लैब कर देते हैं वो सब बहुत सारी चीज़ें था, नॉलेजेबल और वैल्यूबल लगा मेरे को तो, है ना. बहुत मतलब मेरे को तो लाइक हम लोग ने तो फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट सेकेंड डे ही बोल दिया कि लाइक टीचर्स क्रम टीचर्स भी आ गए दिस वर्ल्ड राइट नाउ. ये है IKF का वेन्यू. इस बार बहुत बड़ा वेन्यू बुक किया है सिर्फ तुम्हारे लिए. सही है वेन्यू? एकदम तगड़ा वाला वेन्यू. तो अच्छे से बोलना हंस के. वेन्यू तगड़ा है एकदम, मतलब अभी इसमें नहीं IKF में नहीं है तो मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे लोग. अच्छा, तुम अगर IKF में नहीं हो तो इंडियन क्लब में नहीं हो. उश, यहाँ पर सीटिंग एरिया भी है. ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का. ब्रो आई टेल यू, अगर IKF का रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो है तुम्हारी जिंदगी में. दिस इज द स्टूडियो. We gotta be here. 29 September. सुल्तानपुर मेट्रो गेट नंबर 1 से निकल के पीछे की तरफ चल के 5 मिनट आओ फिर जन्नत दिखेगी क्रम के तुम्हें. ओह, इतना अच्छा खासा बिल्डिंग है. एक बार तो ऐसा स्पाइडरमैन झूल के जाना चाहिए ना. ये क्या है यार, अच्छा नहीं लग रहा है. जस्ट हम लोग एक मीटिंग खत्म करके अभी खाने को जा रहे हैं साइबर सिटी में. ओमान को एक हिमालयन कैफे मिला है ना, हिमालय हाँ. कैफे है ना हाँ. जो कि पीछे निकल गया. पीछे निकल गया हाँ. अभी कैसे जाओ पीछे यार. तुम लोग को स्पाइडरमैन दिखाने के चक्कर में पूरा गोल घूम के आया यार हम लोग. बट ये जो जगह है साइबर हब, हम लोग यहाँ पर पहले कभी नहीं आए. आई एम ग्लैड ममान हमको यहाँ पर लेके आया. हम तो यहाँ पर लाफिंग खाने आए. हमने हमेशा कहाँ पर खाते, हम लोग मजनू का टीला बहुत नाइस मिलता है ना उधर. देखते हैं अभी कैफे वाला, कैफे वाला कैसे मिलता है देखते हैं. मानना पड़ेगा ब्रो. किसको? मैं बहुत मॉल्स और कैफे कल्चर बहुत क्रेजी है अपना बॉम्बे में. ऐसा है ही नहीं ना. है बट मतलब है दूर है अपने यहाँ से. दूर है, दूर जाना पड़ रहा है. मतलब ऐसे मॉल्स देखने का जाता है तो लोअर पार्क साइड जाएगा. वही फीनिक्स का एक मॉल है ना. अपने यहाँ पर तो हम लोग खाली इन्फिनिटी में ही घूमे हैं. इधर तो हर 10-15 मिनट की दूरी पे रहे और सब मॉल अच्छे बड़े बड़े है ना भाई. मान गया तेरे दिल्ली को, ये दिल्ली को मान गया. अच्छा अच्छा जगह है ऐसा घूमने के लिए. सुबह से मैं इतना डिहाइड्रेटेड हूँ ना, सुबह से मैं इतना डिहाइड्रेटेड हूँ, इतना थका हुआ, मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा है, मेरा पेट इतना दुख रहा है. इसके लिए मेरा सुबह से मूड ऑफ था. अभी खाना देख के मेरे को अच्छा लगा. कसम से मैं बोल रहा हूँ ये कैफे का वाइब इतना ज़्यादा अच्छा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है किधर से तो भी ट्रैकिंग करके, मतलब पहाड़ों पे ही कहीं पर तो भी आया हो. और ऊपर से हाँ है ना, और ऊपर से मेन्यू इतना एक्साइटिंग. मैंने लाइफ में कभी नहीं चूज़ किया था कि मैं कैफ़े में जाके थाली प्रेफर करूँगा. बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है.
पोस्ट इवेंट हमेशा ऐसे ही होता है, मेरा बॉडी पेन होता है बहुत ज़्यादा, खाता नहीं हूँ, बट आज फिर भी IKF का काम था दो वो निपटा गया, एक वेन्यू का और एक मीटिंग का, अभी अच्छा लग रहा है। कर रहे हैं पर्सनल में जादू भी टोकरी कौन से ढोकले ढोकले अरे खासी जैनतेस जो मेघालय ट्राइब होता है ना। हाँ अच्छा, मेरे को लगा ढोकला मंगा रहा है तू। तुम क्या मंगा रहे? पर्सनल अपना, शेयरिंग वाले में नहीं। सादे को वाई वाई खाएगा इधर आके, ऐसा दिखता है उसका कुछ, है ना, यही है ना। हाँ, शायद से इतना नीचे यही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो ड्राई नूडल्स है। ये ड्राई नूडल्स नहीं है बे, ये ड्राई नूडल्स थोड़ी है, ये तो होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी। तू क्यों बोल रहा है थोड़ी है? उल्टा उल्टा बात करते हैं। मेरा थाली ऐसा दिखेगा, तेरा कैसा दिख रहा है बता? दिख भी रहा है क्या? देख रहा हूँ, इसमें जाएगा, तेरा आने के बाद ही दिखेगा शायद। हाँ तो ऐसे ही। फक क्या मूवी वाला लाइट आ रहा है बे तुम पे। मेरे पर भी क्या मूवी वाला लाइट आ रहा है बे, बस बाहर मत देख, एम्प्टीनेस गा रहा है ऐसा लग रहा है अभी। रोहन राठौड़ थैंक यू होता है लोकल थुप्पा और एक होता है कैफे वाला थुप्पा, बट एसेंस नहीं बिगड़ा है, बट टेस्ट को एकदम एलिवेट कर दिया क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ऐसा लगता है। स्पाइसेस एकदम बहुत ही नाइस, तुम लोग बोल रहा होगा तुमको इधर आना पड़ेगा। मेरा आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थुप्पा ऐसा। इससे बेटर लाफिंग जिंदगी में नहीं खाया, इमेजिन ही नहीं किया। उसमें भी वाई वाई है क्या?
बाहर गिरा हुआ दिखा दे भाई। आ जा लाफिंग पे हाथ तोड़ते हैं हमें खाते हुए शूट करना। हाँ करता ना करना करो ना हम भी दिखाना चाहते हैं। कम ऑन इसमें डिप कर नाइसली डिप कर एकदम प्रिटी शॉट मिला मेरे को। ये पता बड़ी प्यार है सिर्फ मेरे लिए रुकते हैं खाने को, मैं नहीं खाता तो जेन्युइनली ये लोग भी नहीं खाते। डू नॉट फाइंड योर सेल्फ फ्रेंड्स लाइक दिस, क्योंकि या तो वो लोग गिल्ट में मरते हैं या तो तुम गिल्ट में मरोगे। समझ में आ रहा है? तो आज में स्पाइडरमैन लग रहा होगा, ये ब्लू कलर के इसमें स्पाइडरमैन वाला ब्लू है। चश्मा लगा दे रहा है। थैंक यू। इसकी चीज के को पसीना आ रहा है, देखो नर्वस हो रहा है। यही खाना ना? हाँ यही खाना। कह रहे होटल मैनेजमेंट उन्होंने यही खाना है या फिर यही खाना है? यही यही इधर ही खाने का है क्या? इसके लिए इसके लिए इसके लिए मैं बोलता हूँ मुंबई का लैंग्वेज भले ही तुम लोग को फनी लगता रहेगा, बट कम से कम हमारे पास यही इधर अलग अलग वेरिएशंस तो है। डिफरेंट है, यही और यही में फर्क है। नहीं, सुनने में नहीं आता। तुम इतना अगर ध्यान से किसी को सुन सकता लाइफ में बस इसके आगे पिटेगा पिटेगा तो नहीं, फिलहाल तो मैं छूसेगा छोड़ ही दिया ना नीचे अंकल है। ओह माय गॉड, मेरे को दे देना।
मैंने तो क्रश मैंने मिस्टेक से छोड़ा, उसने तो जान के छोड़ दिया। इनको खिलाओ। यस प्लीज। हाँ चलेगा। नाइस। वो तो मैंने कैनिबल ने, भूमिका ने और रिया ने कल ओपनहाइमर देख लिया। एवरीवन इफ यू थिंक कि मैंने ओपनहाइमर अब तक अगर नहीं देखा है तो इट्स एन अमेजिंग मास्टरपीस। ओ माय गॉड, जीनियस, जस्ट जीनियस, है ना। इसके बारे में हम लोग फुर्सत में बाद में बात करेंगे, बट ये ब्लॉग मेरे को एंड करने का है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, है ना। बाकी मेरे को और कुछ कुछ बातें ये बोलने का था कि बहुत सारा चीज़ मैंने इवेंट में नोटिस किया जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें से एक था ये कि जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि कोई भी इतना इंस्पायरिंग नहीं था इन टर्म्स ऑफ डांसिंग या इन्फ्लुएंसिंग नहीं था। नो डाउट इंडिया स्किल्स वाइज बहुत आगे जा रहा है ना, अमेजिंग स्किल सेट हो गया लोगों का, बट देन अगेन मेरे को स्किल सेट उतना मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा स्किल सेट मेरे को वो आर्ट फॉर्म सीखने में या वो आर्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड होने में फोर्स नहीं करता, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि स्किल सेट के साथ है ना एक एक्सपेक्टेशन आता है कि मुझे जीतना है, फिर वो चीज़ एकदम ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि फिर वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते वो लोग जिस जगह पर है उस जगह पर। अगर मैं कोई इवेंट में जा भी रहा हूँ तो भी मैं हैप्पी या सैटिस्फाइड कभी वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में है स्किल सेट के साथ आता है विनिंग। अगर मैं जीतता नहीं हूँ तो मेरे स्किल सेट कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं कितना भी अच्छा डांसर रहूँ, मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जीत नहीं रहा, है ना। और सेम माइंडसेट आई गेस लोगों का भी हो रहा है जो लोग व्यूअर्स है, कि वो लोग को स्किल सेट इतना मैटर करता है कि वो लोग सिर्फ विनर को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो बाकी डांसर्स के लिए जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे को अलग ही रखो ये सारी चीज़ों से, क्योंकि मेरे को प्रोबेबली ऐसा लगता है कि मेरे को जितना अटेंशन और जितना प्यार मिलता है वो जो इंटरनेशनल फैकल्टी आता है उससे भी ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है। तो मैं अपने बारे में बोल ही नहीं रहा, मतलब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे लोग इतने अमेजिंग थे, इतने माइंड ब्लोइंग थे, बट जब मैंने वो लोग से बात किया वो लोग हैप्पी नहीं लग रहे थे फॉर द फैक्ट कि वो लोग उस जगह पर है, उस जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबोर को मैंने बहुत रेयरली कोई भी इवेंट जीतते हुए देखा है, बट फिर भी हम लोग उसके वर्कशॉप में क्यों जा रहे थे, क्योंकि उसके पास वो हार्ट है कि मुझे, मैं जीतूँ नहीं जीतूँ मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूँगा, मैं अच्छा करूँ नहीं करूँ मैं बस डांसिंग को एंजॉय करूँगा, है ना। मैं हमेशा वही माइंडसेट से जाता हूँ, और मेरा मतलब थोड़ा सा ऐसा धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इवॉल्व हो रहा हूँ ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन करने लगा ऐसा मेरे को लगता है लोगों के हिसाब से, कि मेरे को मैटर ही नहीं करता ये सब चीज़, बट मेरे को ये चीज़ मैटर करता है जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ इतना अच्छा डांस करते हुए, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए, और फिर भी तुम खुश नहीं हो, तुम एकदम ना खुश हो। ऑफ कोर्स सब लोगों को हर किसी चीज़ पे वर्क करना है, मुझे भी अपनी चीज़ों पे वर्क करना है, बट दैट डजंट मीन कि मैं हमेशा अपने आप से ना खुश रहूँगा, समझ में आ रहा है। तो वही है, थोड़ा सा लोगों को अपना होराइजन जो है वो ऐसा बड़ा करना चाहिए, है ना। दूसरे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग प्री सिलेक्शन होते थे, मैंने प्री सिलेक्शन में भी बोला था आई गेस माइक पे, जितने लोग इवेंट में थे वो लोग को पता है कोई हाइप ही नहीं करता है, लोग सिर्फ विनर के लिए वेट करते हैं कि अगर तू जीत रहा है तो मैं तेरे लिए हाइप करूँगा, बट मेरे लिए वैसा नहीं है। आई थिंक अगर ये माइंडसेट से जाएंगे तो बहुत जल्दी मतलब ऐसा होगा कि पूरा डांसिंग कल्चर ही टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग जीतने के लिए जाएंगे। अगर जीतने के लिए हम जाते हैं, जीतने के माइंडसेट से जाते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है मुझे किसी को खींच के पीछे लेके आना पड़ेगा, अगेन दैट इज़ टॉक्सिक। तो आई थिंक लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करने का ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग आई के एफ में आओ, क्योंकि मेरे को पर्सनली सामने सामने सब लोग के साथ बहुत सारा लाइव बात करना है, बहुत सारे प्लान्स है मेरे जो तुम्हारे साथ मेरे को शेयर करना है, हर चीज़ मैं वीडियो पे नहीं कर सकता। बाकी मैं एकदम ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास वीडियोज आ गए हैं अपने राउंड्स के, मतलब ओ माई गॉड, मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ वो मेरे को दिख रहा है, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ, है कि नहीं। फॉर द फैक्ट जो मेरा लास्ट राउंड था 8 bucks का, मेरे को समझा ही नहीं 40 seconds कब खत्म हो गया, बट अगेन मेरे को उस चीज़ पे वर्क करना है, वो मुझे पता चल गया,
है ना, तुम लोग को जब वीडियो सीखेंगे तुम लोग को पता चलेगा कि ओ माय गॉड द ब्रो डजंट स्टॉप, वो वाला फीलिंग आएगा, है ना। ऑफकोर्स मैं अपना स्टाइल को चेंज करने के लिए वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारा फैक्टर्स था जो मेरे को कंसिडर करना चाहिए अपने लिए, जैसे मेरा डेढ़ महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जनवरी में मैंने चालू किया, जुलाई तक मैं ट्रांसफॉर्म ही कर रहा था, उसके बाद 20 दिन मिला मेरे को रिकवर करने के लिए, मेरा पूरा ओवरऑल मतलब मेरे को अवेयरनेस है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए वो लोग खुश नहीं दिख रहे मेरे को, समझ में आ रहा है। और बहुत सारा बात है यार मेरे को तुम लोग के साथ IKF में करने का, अभी अराउंड 13-14 दिन बाकी है IKF का अर्ली बर्ड ख़त्म होने के लिए। मैं दिल से सबको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अर्ली बर्ड में रजिस्टर करवा लो, तो मेरे लिए भी इजी होगा, तुम्हारे लिए भी इजी होगा, अर्ली बर्ड होने के बाद भी कर सकते हो, बट देन बाद में मेरे को ये बोलते हुए मत आना भैया प्लीज़ पहले इसमें ये कर दो, वी आर प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन राइट हियर। ऑलरेडी मैंने 12 जुलाई का 15 अगस्त कर दिया, एक महीने से ऊपर टाइम दे दिया है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस तुम्हारे लिए लेके आ गया हो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता जेन्युइनली। ऑफकोर्स बहुत सारे फकअप्स थे इवेंट में, बट इग्नोरेबल, ठीक है चलेगा, विद टाइम सीख जाएंगे लोग, मेरे लिए मैं वो फकअप से सीखना चाहूँगा, बाकी और तो कुछ नहीं। कैनिबल अभी एक्सट्रीमली बीमार है, वो सोया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ ओवरऑल, बस मेरे को वही बोलना है, बी हैप्पी फॉर एवरीवन, बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ, यू आर देयर, You are here, you are watching my video, be happy. कितने लोग ऐसे जो लोग मेरे videos नहीं देख पा रहे, जो लोग मेरी ये अच्छी अच्छी बातें नहीं सुन पा रहे, तुम सुन पा रहे हो, be happy. Whatever it is, be happy for yourself. मेरे को यही बोलने का है ना। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोग को पता तुम लोग क्या करना है, तुम लोग करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट दुआ। IKF में आने का 29 September टू 2 October को हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, अगर ज़्यादा दिन के लिए रुकोगे तो क्या पता हम लोग एक बड़ा सा ग्रुप बना के जवान देखने भी जाएंगे, है ना। मैं पहले भी देख लूँगा बट तुम्हारे साथ भी देखूँगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। चाहिए एकदम हाईली रेकमेंडेड, क्या बोलता है बड़ी, आना चाहिए ना लोगों को इधर। अरे वो जिन लोग ऐसा हिमालयन फूड वगैरह, एक मिनट थोड़ा सा फॉग हो गया, ये फ्रोजन फन है नीचे, क्या बोलता है ब्रो। हाँ मतलब जिन लोगों को ऐसा हिमालयन या ऐसा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फूड एकदम ऐसा ऑथेंटिक जैसा चाहिए तो बेस्ट जगह है यहाँ पे, तो इसी बात पे चले फ्रोजन फन करने। चलते चलते चलो चलो, हमको पहले पता होता इवेंट आने के बाद इतना अच्छा खाना मिलता, हम तो हर इवेंट आ रहे हैं भाई।